आज की बहस से जय कुमार साहू की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में किया राशि का अंतरण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य अतिथि में एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में दिनांक 10 सितंबर 2023 को ग्वालियर से लाडली बहन सेवा के सदस्यों एवं योजना के हितग्राहियों बहनों के साथ प्रति राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों में 1,000 रूपए राशि का अंतरण किया गया। मेरी बहना है सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का और संग रहना है कि नहीं, मेरे साथ बोलिए भारत माता की और मेरी लाडली बहनाओं की। लाडली बहनाएं केवल ग्वालियर में नहीं बैठी, आज हर गांव में बैठी, हर शहर में बैठी है और वो ग्वालियर के इस कार्यक्रम से जुड़ी है। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी और कर्मठ केंद्रीय किसान और कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश के गौरव है, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय नेता जिन्हें एक साल से कम समय में ग्वालियर के एयरपोर्ट को खड़ा करके अपनी क्षमता का परिचय दिया है, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, नमस्कार करता हूँ। आज ग्वालियर की धरती पर ग्वालियर की जनता ने और लाडली बहनाओं ने जो ऐतिहासिक स्वागत किया है, वो स्वागत नहीं, वो मेरी बहनों का प्यार है। वो केवल प्यार नहीं, मेरी बहनों तुम्हारा आशीर्वाद है, आशीर्वाद। आज आपने जगह जगह फूलों की वर्षा करके स्वागत किया, मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों ने दीपक जला के आरती उतारी है, ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और एक वचन देता हूँ, बैठी रहे, क्योंकि मैं बहनों के पास आके ही बोलता हूँ, अपने अपने जगह बैठे रहे, कई महत्वपूर्ण बातें आज आपसे करना है। आपने जगह जगह मेरी बहनों राखी पहन की है, मैं सब बहनों से राखी बंधवा नहीं पा रहा, लेकिन ये मान लेना कि तुमने तुम्हारे भाई की कलाई पर राखी बांधी है। ये राखी का रिश्ता बड़ा स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। ये राखी का त्योहार कहाँ से शुरू हुआ पता है? कहते एक बार सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली थोड़ी कट गई गलती से, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया। तब से रक्षाबंधन की